सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी हिंदी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये ऐसे चीज को लेकर मैं बात करूंगा जो आपको भी शायद पसंद आएगा, क्योंकि मेरा बहुत से दोस्त है जो मुझे बोलता है हाँ चल एक काम कर इसके बारे में जरा बता, ये चीज है रिफर्बिश्ड फोन। जब भी मेरा कोई दोस्त भी रिफर्बिश्ड फोन देखता है तो मुझको पूछता है कि हाँ ये रिफर्बिश्ड फोन क्या होता है, क्या अच्छा होता है, क्या या खराब होता है, इसके बारे में जरा बता। तो आज इस वीडियो मेरा उस दोस्तों के लिए और जो रिफर्बिश्ड फोन लेना चाहते हो उस दोस्तों के लिए भी है, क्योंकि रिफर्बिश्ड फोन एक अच्छा क्वालिटी का फोन होता है, उसके कुछ स्टैंडर्ड भी होता है। इसमें से कौन सा फोन आपको लेना सही होगा और कौन सा लेना सही नहीं होगा इसके बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसन्नजीत, आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी हिंदी। तो चलिए जान लेते हैं रिफर्बिश्ड फोन क्या है और इस फोन को लेने के लिए क्या क्या चीज आपको ध्यान में रख के लेना चाहिए और कौन सा फोन रिफर्बिश्ड नहीं लेना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों, आइए पहले जान लेते हैं ये रिफर्बिश्ड फोन क्या है। जब हम अमेजोन फ्लिपकार्ट ऐसा वेबसाइट से जब कोई भी फोन खरीदते हैं तो फोन में जब भी दिक्कत आते हैं तो हम क्या करते हैं, उस फोन को हम फिर से फ्लिपकार्ट या अमेजन में भेज देते हैं। तो उससे वो लोग क्या करते हैं, उस फोन में पर्टिकुलरली जो प्रॉब्लम है, चाहे वो कैमरा प्रॉब्लम हो, बैटरी प्रॉब्लम हो, हीटिंग इशू है, कुछ भी है, उसको ठीक कर लेता है। ठीक करने के बाद क्या करते हैं, उस फोन को तो बेचना चाहिए, क्योंकि उसके पास जब फोन गया है तो उसको तो ऑलरेडी सील पैक टूटा हुआ है, तो उसको नया बोल के नहीं बेच पाएगा। तो तब क्या करते हैं, उसके जो प्रॉब्लम रहता है उसको ठीक करके उसको बेचता है। ऐसा एक वेबसाइट है TooGood.com। TooGood में क्या होता है, उसमें एक कैटेगरी है जैसे अनबॉक्सिंग लाइक न्यू, एक है वेरी गुड, एक है गुड, ऐसा करके एक है ओके, मतलब ऐसे करके पार्ट वाइज किया है कंपनी ने। तो उसमें क्या होता है, अगर आपको एकदम अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट चाहिए, वो भी आपको रिफर्बिश्ड चाहिए, तो उसके लिए आपको लाइक न्यू या बॉक्स अनबॉक्सिंग प्रोडक्ट बोल के जो रहता है उससे आप ले सकते हो। तो क्या होगा, उसमें आपको जो फ़ोन मिलेगा वो फ़ोन एकदम सही है, मतलब उसके ऊपर आपको 12 महीने का वारंटी भी मिलेगा, आप उसके ऊपर EMI भी कर सकते हो, यानी कि देखा जाए हर तरीके से ये फ़ोन सही होता है। उसके बाद आते हैं आपके बजट थोड़ा कम है मगर एक अच्छा फ़ोन लेने के लिए चाहते हो, तो उसमें वेरी गुड जो है उसके अंदर से आप देख के ले सकते हो, उसमें कुछ क्रैच वगैरह कुछ रह सकता है मगर उसके ऊपर क्वालिटी एकदम सही रहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग करने के बाद ही वो लोग ये फ़ोन बेचता है और उसके ऊपर उसको वारंटी भी रहता है, इसी कारण आप ये फ़ोन भी ले सकते हो। गुड है, ओके है, ओके जो है वो एकदम बेकार फ़ोन रहता है, मतलब उसको आप इस्तेमाल करो सही से नहीं चलेगा, ऐसा कुछ रहता है, तो उसको छोड़ के आप लाइक न्यू या वेरी गुड ऐसा जो रेटिंग है उस फ़ोन को आप परचेस कर सकते हो। उसमें आपको बहुत से फ़ायदा भी मिलेगा, अच्छा डील भी मिलेगा, मगर एक चीज़ का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। देखा जाए एक वन प्लस थ्री या वन प्लस थ्री टी बेच रहा है, क्या रेडमी नोट थ्री या नोट थ्री एस ऐसा कुछ फ़ोन बेच रहा है अच्छे डील में, ये अच्छा डील नहीं है, क्योंकि ये फ़ोन कुछ 5 या 6 साल पहले का फ़ोन है, तब आया था आज 2019 से, अभी इस टाइम पे लेना सही नहीं होगा। अभी आप अगर वन प्लस का कोई फ़ोन लेना चाहते हो, सेकेंड हैंड में लेना चाहते हो, तो उसके ऊपर अगर आएगा वन प्लस 60 आप ले सकते हो, वन प्लस 6 आप ले सकते हो, वन प्लस 770 भी ले सकते हो, एप्पल का भी ऐसा ही है। रेडमी का अगर कोई फ़ोन लेना चाहते हो आप सेकेंड हैंड के ऊपर या कि रिफर्बिश्ड के ऊपर, तो उसके ऊपर से भी आप काम कर सकते हो, यानी कि आप जब भी कोई फ़ोन लेना चाहते हो उसके रेटिंग देख कर और उसको रनिंग है या नहीं है तो उसको देख कर आपको लेना चाहिए। अभी आते हैं कौन सा फ़ोन आपको रिफर्बिश्ड में लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। अब जब कोई भी रिफर्बिश्ड फ़ोन लोगे तो पहले आपको देखना चाहिए वो फ़ोन कितना पुराना है, अगर ज़्यादा पुराना होगा, एक या 2 साल पहले का फ़ोन होगा तो वो नहीं लेना चाहिए। अगर आप वन प्लस की तरह कंपनी का कुछ फ़ोन आपको मिल रहा है 1 साल पे पुराना तो आप ले सकते हो, क्योंकि वन प्लस का अपडेट बहुत ही अच्छा देता है। आप अगर एंड्रॉयड ओरियो में लिया उसको पाई क्यू अपडेट तक भी आपको मिलेगा, इसी कारण आप ले सकते हो, मगर सावमी का या दूसरा कोई ब्रांड का, जैसे आपको हो गया आसूस का या रियलमी का, ऐसा कोई ब्रांड अगर आपको 2 साल पुराना मिले तो उसको नहीं लेना ही सही है, क्योंकि आपको अच्छे डील चाहिए, अच्छे डील के ऊपर आप ले सकते हो। इसी कारण कुछ कुछ ऐसा फ़ोन है जो 2019 में ही आया है
और वो फ़ोन रिफर्बिश्ड में कुछ आपको 2-3 हज़ार रुपया कम में मिल जाए तो वो फ़ोन आप ले सकते हो। रिफर्बिश्ड फ़ोन आप जब लोगे उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर क्वालिटी टेस्ट होता है, उसके ऊपर उसका वारंटी रहता है, किसी का 12 महीने का भी वारंटी रहता है, 6 महीने का, 9 महीने का, ऐसे करके वारंटी भी रहता है। आप उसको EMI भी कर सकते हो, यानी कि टोटल नए फ़ोन की तरह ही वो फ़ोन होता है। मगर कुछ कुछ इशू जब रहता है उस इशू को ठीक करके बेचता है कंपनी, इसी कारण उस फ़ोन के कुछ कीमत कम होता है। तो दोस्तों, बहुत से दोस्त का यही क्वेश्चन था, एक्चुअली रिफर्बिश्ड फ़ोन लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। आप रिफर्बिश्ड फ़ोन एकदम ले सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, फ़ोन सही होता है। अगर आपके फ़ोन में कोई भी इशू आ गया तो आप उसको कंपनी में भेज भी सकते हो, क्योंकि आपके उस फ़ोन के ऊपर वारंटी रहता है। तो इसी कारण आप ये फ़ोन ले सकते हो। तो आशा रखता हूँ आपको समझ में आ गया है रिफर्बिश्ड फ़ोन क्या है, कौन सा फ़ोन आपको लेना चाहिए और कौन सा फ़ोन आपको नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, बस आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके रखो, क्योंकि जब भी हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।